महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे काफी चर्चाओं में हैं। नए मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया एकनाथ शिंदे को लेकर, तो डिप्टी सीएम पद पर बैठे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे का लगातार यही बयान था कि बागी विधायकों में से कुछ विधायक उनके संपर्क में है। लेकिन इन सबके बीच एकनाथ शिंदे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल आप सभी को बता दें कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट को एक और बड़ी जीत मिल गई है। दरअसल स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल नार्वेकर जीत गए हैं और उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्हें 164 वोट मिले। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार राजन सालवी चुनाव हार गए, उन्हें केवल 107 ही वोट मिले। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे यहां पर बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बागी विधायकों से आदित्य ठाकरे के द्वारा कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या कोई भागने वाला काम किया है, इतना डर किस बात का। ये सब बातें आदित्य ठाकरे ने करी तो एकनाथ शिंदे ने भी कुछ बड़े ऐलान करे। उन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे ने नाम लिए बिना उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी ने 10-15 विधायक संपर्क में होने का दावा किया है, अगर 10-15 विधायक संपर्क में है तो नाम बताएं। ये बात यहां पर कहते नजर आए एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की मान्यताओं के आधार पर भाजपा शिवसेना सरकार ने कार्यभार संभाला है। आज तक हमने देखा कि लोग विपक्ष में सरकार आते हैं लेकिन विपक्ष से सरकार में आते हैं, लेकिन इस बार सरकार के नेता विपक्ष में आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद मंत्री था, कई अन्य मंत्रियों ने भी सरकार छोड़ी। बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे का विचार के प्रति समर्पित मेरे जैसे आम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब यही देखना दिलचस्प होगा, जो विधायक यहाँ पर समर्थन में होने की बात कही थी, क्या वो सच था या एक खोखला दावा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उस दावे को एक बड़ी चुनौती दे दी है। क्या इस दावे को सच साबित कर पाएंगे संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे मिलकर, या आने वाले समय में इस दावे की भी पोल खुलती नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम।